दोस्तों, जब भी हम किसी जीएसटी में रजिस्टर्ड कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, चाहे वो कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस करती हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती हो, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में गुड्स को परचेज करते वक्त ट्रांसपोर्टेशन का सहारा जरूर लिया जाता है। अगर उस कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया जाता है, तो जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट को उस माल के गेस्ट में जो उसका ट्रक भाड़ा बनता है, यानी कि फ्रेट जितना बनता है, जैसे ही हम उसका फ्रेट का भुगतान करते हैं, तो हमारी लायबिलिटीज बन जाती है उस किराए भाड़े पे जीएसटी टैक्स डिपॉजिट करवाने की, जिसे हम सिंपल भाषा में आरसीएम बोल देते हैं, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेजम। तो दोस्तों, ये आरसीएम हमें किस रूल के अगेंस्ट डिपॉजिट करवाना होता है और इसकी एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करते हैं, इनवॉइस हमें किस तरीके से जनरेट करना पड़ता है, आरसीएम का हमें भुगतान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में 100% प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हो, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की प्रैक्टिकली और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप की एंट्री करने से पहले, किसी भी टाइप का लेजर क्रिएट करने से पहले, हमें इस बात का पता होना चाहिए भी आरसीएम होता क्या है और किस कंडीशन में आरसीएम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, जब भी किसी कंपनी में कोई गुड्स परचेज किया जाता है, तो उस सामान को हमारे बिजनेस तक पहुंचने तक हमें किराया भाड़ा भी पे करना पड़ता है, और वो किराया भाड़ा हम दो कंडीशन में पे करते हैं भी। एक तो वो होता है भी, जब हम किसी कंपनी से माल परचेज करते हैं, तो वो जो किराया भाड़ा होता है, जो फ्रेट होता है, वो हमारे इनवॉइस में एड होके आता है। सेकेंड, और अगर आपके इस इनवॉइस में एड होके नहीं आता है, तो आपको अलग से उस ट्रांसपोर्ट को, उसका जो किराया भाड़ा है, वो भुगतान उसका करना पड़ता है उस ट्रक वाले को। तो इस दो कंडीशन में आता है। अगर हमारे पास इनवॉइस में किराया भाड़ा लग के आया है, तो हमें किसी भी टाइप की जीएसटी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आरसीएम जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अलग से स्पेशल उस ट्रांसपोर्टर को भुगतान कर रहे हैं अलग से इस बिल्टी के थ्रू, तब हमें आरसीएम डिपॉजिट करवाने की जरूरत होती है। तो और जैसे हम उसका आरसीएम डिपॉजिट करवाएंगे और उस ट्रांसपोर्ट को हम किराया भाड़ा पे करेंगे, तो उस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें इस प्रकार का एक इनवॉइस मिलेगा, जिसे कि हम सिंपल भाषा में बिल्टी बोल देते हैं। तो दोस्तों, इस बिल्टी में सामान भेजने वाले का, सामान को प्राप्त करने वाले का एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, सब कुछ इस बिल्टी में मेंशन किया होता है। और फ्रॉम माल कहाँ से आया है और कहाँ तक पहुँचेगा, ट्रक का नंबर क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, ड्राइवर के लाइसेंस का नंबर क्या है, यानी कि ये सब कुछ उस बिल्टी में मेंशन किया होता है। तो इस प्रकार का ये एक तरीके का इनवॉइस हमें उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू मिलता है, और इसमें ये बिल नंबर भी लिखा होता है भी, जो इनवॉइस आया है, जैसे आप ये देख रहे हो इनवॉइस है, जो जैसे कि 2514 इनवॉइस नंबर है और इसकी 1/1/2021 की डेट है, और यही इसके बिल्टी में भी मेंशन किया हुआ है। ये बिल नंबर आ गया और ये इसकी इनवॉइस की डेट है, और इसमें कंप्यूटर पार्ट्स पैकिंग, यानी कि ये बिल्टी में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस इनवॉइस में ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रोडक्ट हमने मंगवाए थे, तो इसका किराया टोटल बने 5,000 रुपये, ये हमने अलग से पे किया है। तो अब हमें इस 5,000 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी यानी कि आरसीएम जमा करवाना पड़ेगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंडर। तो दोस्तों, ये जो सर्विसेज की जितने भी हमें आरसीएम जो हमें डिपॉजिट करवाना होता है, वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के ही अंडर में आता है। तो इसकी एंट्री हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमें कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना जरूरी है, और कौन कौन से लेजर हमें क्रिएट करने जरूरी है, और उन लेजर्स का हम ग्रुप क्या रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी को इनेबल करना कंपलसरी है, और जीएसटी इनेबल करते वक्त हमें कुछ बात का ध्यान में भी रखना जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टैक्सेशन का,
और इसमें ऑप्शन रहेगा हमारे पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, इसको हम यस करेंगे। और इसको जैसे हम यस करेंगे और हमारी लाइबिलिटीज बनती है आरसीएम की, तो हमारे पास एक इस एडिशनल फीचर में एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। तो इस ऑप्शन को यस करना जरूरी है, अगर आपके पास नो है तो इसको आप यस करोगे और बाकी जो फीचर्स है वो हमारे बिल्कुल सेम है। और इस वाउचर को हम करेंगे इस ऑप्शन को एक्सेप्ट और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं, मैंने लेजर क्रिएट कर रखे हैं आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं ये ट्रांजैक्शन भी दिखा देता हूं, मैंने इसमें एक परचेज वाउचर और एक सेल वाउचर की एंट्री कर रखी है। तो उसको हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, डिस्प्ले पर जाके और डे बुक पर जाएंगे और हम यहाँ पे इसका पीरियड चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हो एक ही इसमें परचेज इनवॉइस है और एक ही सेल इनवॉइस है, और यही परचेज इनवॉइस है जो हमारे पास आया है। ये इनवॉइस आप इसमें देख रहे हो ये 53,904 रुपये का है और यही हमने 53,904 रुपये की एंट्री इसमें कर रखी है, वही स्टॉक आइटम है, वही क्वांटिटी है। और एक हमने ये सेल बिल इनवॉइस किया हुआ है। और उसके बाद में एक बार हम बैलेंस शीट पे हम देखेंगे और हमारी लाइबिलिटीज भी देखेंगे जीएसटी। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे पास जितनी जो एसजीटी और सीजीएसटी की जो टोटल हमारा इनपुट आ रहा है वो 748 रुपये का आ रहा है, यानी कि एक एक एंट्री दोनों में इनपुट की है और एक एंट्री आउटपुट की है, एक ही परचेज इनवॉइस एक ही सेल इनवॉइस। तो सबसे पहले हमें लेजर कौन कौन से क्रिएट करने होंगे, मैं आपको अल्टर में जाके दिखाता हूँ, लेजर में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें परचेज और सेल के लिए जो रूटीन में हम जो सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स जो हम क्रिएट करते हैं लेजर उनका, वो तो हमें क्रिएट करना ही करना है बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद में हमें एक अलग से दो लेजर और क्रिएट करने पड़ेंगे आरसीएम सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स के नाम से, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो आरसीएम सीजीएसटी टैक्स और आरसीएम एसजीएसटी टैक्स, ये दो लेजर अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे रिवर्स चार्ज के लिए। तो इसको किस हेड में रखेंगे इस पर हम इंटर मारेंगे, तो ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, सीजीएसटी रहेगा। अगर हम आरसीएम सीजीएसटी टैक्स बना रहे हैं तो सेंटर के सेंटर टैक्स के अंडर में हम टैक्स टाइप को रखेंगे और एसजीएसटी को हम रखेंगे स्टेट टैक्स के अंडर में। और उसके बाद में एक हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेट चार्ज के नाम से, ये लेजर हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना किस तरीके से हमने बनाया है। फ्रेट चार्ज रहेगा और ये रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, ये हमें ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होएगा अगर हम इस पर जीएसटी डिपोजिट करवाते हैं तो आरसीएम, और इसको हम रखेंगे जीएसटी एप्लीकेबल। और उसके बाद में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम करेंगे यस, और उसके बाद में इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसके हम रखेंगे ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद इसमें जीएसटी नंबर इसका जो सर्विस का वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसके बाद में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इसको हमें एक बार नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का नेचर हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद में टैक्स लाइबिलिटी हम रखेंगे इसको टैक्सेबल, और एक ऑप्शन ये रहेगा इसमें इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन को यस रखना कंपलसरी है आरसीएम की कंडीशन में। और जो हम आरसीएम डिपॉजिट करवाते हैं वो 5% यानी कि सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी भी 2.5% गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है। और हम इस वाउचर को भी करेंगे सेव, और इसमें टाइप ऑफ सप्लाई को यहाँ पर रखेंगे इसको सर्विस में, इसे गुड्स नहीं करना हम सर्विस में रखेंगे। और एक हमने श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका कि हमारे पास ये बिल्टी आई है श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टी यानी कि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, हमने इसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से सर्विस ली है, तो इसका लेजर भी हम क्रिएट करेंगे अंडर में रखेंगे इसको सेंट्रिक क्रेडिटर ट्रांसपोर्टर, या फिर इसका हम एड्रेस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में इसे रखेंगे अनरजिस्टर्ड, और इंटरफेस करते हुए सेव करेंगे। तो सिंपल सा हमें ये लेजर तो क्रिएट करने पड़ेंगे, और एक हमें बैंक का भी लेजर जरूर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम जो भी आरसीएम डिपॉजिट गवर्नमेंट को करवाएंगे तो हमें बैंक की भी जरूरत पड़ती है। और उसके बाद में ये विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का जो हमने इनवॉइस परचेज किया है उसी वक्त हमने लेजर क्रिएट कर लिया था, और एक ये बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का लेजर हमने जो कस्टमर था हमारा उसको सेल किया था
उसका लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो उसके बाद में एक ही हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट परचेज का और एक ये सेल का लेजर है। तो अब हम करते हैं इस बिल्टी की एंट्री। तो दोस्तों सबसे एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में हम आएंगे और उसके बाद हमें एंट्री करनी पड़ेगी परचेज वाउचर में। हमें ध्यान रखना है इसकी एंट्री परचेज वाउचर में हम करेंगे। तो दोस्तों हमें आरसीएम दो कंडीशन में डिपॉजिट करवाना होता है, एक तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 750 रुपए की और सेकंड है 1500 रुपए की। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा भी, अगर आपने किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान मंगवाया है और उसमें आपका स्पेशल सामान आया है और उसकी वैल्यू 1500 रुपए से ज्यादा है तो भी आपको आरसीएम डिपॉजिट करवाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके सामान के साथ साथ उस ट्रक के अंदर किसी और पार्टी का भी सामान है तो आपको, अगर उसका किराया बढ़ा कर 750 रुपए से अगर ज्यादा आप पे करते हो तो भी आपको आरसीएम डिपॉजिट करवाने की जरूरत है। तो दोस्तों ये एक बहुत डिफाइन करना मुश्किल काम हो जाता है भी इस ट्रक में हमारे अलावा और किस किस का सामान था। तो हमें इसको ये मान के चलेंगे भी हमने इसका किराया बढ़ा 1500 रुपए पे किया है, यानी कि सारा जो सामान है वो हमारा ही आया है। तो हम इसे 1500 रुपए की एक बेसिक वैल्यू मानते हुए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है यानी कि 1500 रुपए से अगर कम पे कर रहे हैं तो हमें आरसीएम डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे ट्रक इस माल के साथ और किसी का भी है अगर उसका किराया बढ़ा 750 रुपए से कम है तो भी हमें जीएसटी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। और परचेज वाउचर के लिए हम यहाँ से शॉर्टकट यूज करेंगे F9 का, चाहे तो हम यहाँ से F9 पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें बिल्कुल सेल्फ मेड वाउचर हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो हमें वाउचर नंबर का भी हम पहला ही हमारा आरसीएम का इनवॉइस हम जनरेट कर रहे हैं तो हमें एक नंबर इनवॉइस यहाँ पर रखेंगे और पार्टी अकाउंट नेम में उस ट्रांसपोर्टर का नाम देंगे जिस ट्रांसपोर्टर की बिल्टी हमारे पास आई हुई है, यानी कि श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पर्टिकुलर डिटेल्स में हमने फ्रेट चार्जेस का जो हमने लेजर क्रिएट किया था अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इंटर अमाउंट हमारे से पूछेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यानी कि नेट अमाउंट। तो हमने 5000 रुपये पेड किए हैं तो 5000 रुपये हमने इसके अमाउंट की एंट्री हमने कर दी है। और उसके बाद में टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। तो दोस्तों अगर आपके पास क्लासिफिकेशन की डिटेल इस तरीके से अगर नहीं खुलती है तो आपको करना क्या होगा, इसी परचेज वाउचर पर रहते हुए आपको F12 यानी कि कॉन्फिगर पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको दो ऑप्शन को यस करना है। पहला ऑप्शन तो ये रहेगा वी मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस करना पड़ेगा इस ऑप्शन को। और सेकंड आपको इस ऑप्शन को मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल ऑफ जीएसटी, तो इसको भी आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपके पास नो है तो इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन भी आ जाएगा। और अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, क्योंकि जो हमने ये सप्लाई ली है ये जो ट्रांसपोर्ट है जिसको हमने भाड़ा पे किया है ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। इस वाउचर में हमें CGST और SGST कहीं भी नहीं लगाना है और हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो हम कीबोर्ड से एक बार पेज अप का जो बटन है उसे हम प्रेस करेंगे तो वापस हमारे पास वही जो लास्ट जो बिल हमने एंट्री करी थी वो आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर किसी भी टाइप के CGST और SGST की एंट्री हमने नहीं करी है, लेकिन हम मोर डिटेल्स पर जाके क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मोर डिटेल्स, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे और Alt+F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 125 रुपये और 125 रुपये CGST और SGST इसकी वैल्यू पर ऑटोमेटिक ही लग चुके हैं, ये फ्रेट चार्जेस का जो अभी हमने परचेज वाउचर में एंट्री करी थी। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा बी नोट अमाउंट ऑफ द टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो ये ऑप्शन, ये जो वर्डिंग लिखी हुई आपके पास आनी कंपलसरी है। तो इसका मतलब इस 5000 रुपये ऊपर जो 125 रुपये की जो लाइबिलिटी है वो ऐड हो चुकी है। तो हम इस एस्केप करेंगे, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब इस 125 रुपये का यानी कि 250 रुपये का इफेक्ट अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा बैलेंस शीट में, हम एक बार देख भी लेते हैं। बैलेंस शीट पर हम जाएंगे, Alt+F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे, ड्यूचीड एंड टैक्सेस में जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर केवल एक इनपुट की एंट्री और एक आउटपुट यानी कि एक परचेज इनपुट और एक सेल का आउटपुट की एंट्री हमें शो हो रही है।
तो वो 125 रुपये की एंट्री अभी हमें इस ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उस परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग वो 125 रुपये CGST और 125 रुपये SGST लग चुके हैं। इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा हमारी GST रिटर्न 3B में, वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और उसके बाद हम जाएंगे GST रिपोर्ट्स पर और उसके बाद में 3B पे, और हम उसका मंथ का पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की हम 3B तैयार कर रहे हैं। तो Alt F1 के साथ डिटेल अगर आप ओपन करेंगे तो आप देख रहे हो वो 5000 रुपये की अमाउंट है जो यहाँ पर भी आ गई है, और ये 125 रुपये ये जो हमारा सेल का जो आउटपुट है उसके साथ मिलके टोटल हमारी जो आउटपुट की जो लाइबिलिटीज है वो 3862 रुपये और 29 पैसे की बन चुकी है, लेकिन हमें बैलेंस शीट में केवल 3737 रुपये और 29 पैसे ही शो कर रहा था। 125 रुपये अभी वो लाइबिलिटीज में ऐड हुए नहीं थे, हमें ऐड अभी करने हैं। और इधर आप नीचे देख रहे हो ITC के अंदर, तो ITC जो हमारा परचेज का जो ITC था वो 4111 रुपये और 29 पैसे था, इसमें 125 रुपये RCM वाला भी ऐड होएगा, यहाँ पर रहेगा इनवर्ड सप्लाईज लाइबिलिटी टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 और 2, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अलावा ये RCM है, और उसके बाद में ये ऑल ऑफ अदर ITC जो परचेज का था, तो दोनों का टोटल यानी कि 4236 रुपये और 29 पैसे ITC हो गया। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि ये हमारी एक लाइबिलिटीज अब बन चुकी है, इसे हमें डिपॉजिट करवाना है, इसे पहले बुक करना पड़ेगा। तो इसे हम बुक किस तरीके से करेंगे, यहीं पर इसी एंट्री पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रिवर्स चार्ज की एक बॉक्स ओपन होएगा, इस तरीके की विंडो। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें टोटल लाइबिलिटीज आपको दिख रही है 250 रुपये की, लेकिन अभी जो ITC बुक हमें जो करना है वो कॉलम बिल्कुल अभी खाली पड़ा है। तो एक एंट्री हम करेंगे जिससे कि हमारा ITC जो बुक हो जाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इस स्टेट एडजस्टमेंट में आप एल्ट के साथ जे भी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज आपको इस ऑप्शन को रखना है, और अंडर में आपको रखना है एडिशनल डिटेल में परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो एक तरीके का ये जर्नल वाउचर आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले हमारी जो टैक्स लाइबिलिटीज है उसे इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, CGST टैक्स को तो हम करेंगे डेबिट 125 रुपये से, और उसके बाद फिर हम डेबिट करेंगे SGST को 125 रुपये से, और उसके बाद हम जो हमने लेज़र क्रिएट किए थे दो अलग से RCM वाले उसको हम सेलेक्ट करेंगे, रेट था इसका 2.5%, वैल्यू थी इसके 5000 और 125 रुपये RCM SGST टैक्स और RCM CGST टैक्स, ये हमारी 125 रुपये से एक तरीके की लाइबिलिटीज के लेज़र क्रिएट हो गए, और हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ITC के अंदर ये 125 रुपये है जो बुक हमारे हो चुके हैं। तो अब वापस हम जाएंगे एक बार 3B की रिपोर्ट पर, और 3B की रिपोर्ट पे जाने के बाद आप देख रहे हो इसमें 125 रुपये अभी हमारा आउटपुट के अंदर तो बिल्कुल ऐड हुआ है, लेकिन इनपुट में से अभी जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर हमारा रिवर्स चार्ज का वो ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, क्योंकि 125 रुपये इस ITC के अंदर अभी ऐड हो नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहे वो उसकी एंट्री भी हम करनी पड़ेगी। तो इससे पहले हम एक बार हमारी बैलेंस शीट में देख लेते हैं ये जो 250 रुपये है वो हमारी टैक्स की लाइबिलिटीज बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए वापस हम जाएंगे बैलेंस शीट पर और Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ओपन करेंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे RCM CGST टैक्स और SGST टैक्स है जो लाइबिलिटीज में आ चुके हैं, ये वही जर्नल एंट्री जो अभी हमने यहाँ पर पोस्ट करी थी। तो ये RCM का जो टैक्स हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें हमारा ITC है उसे बुक करना पड़ेगा। तो ITC बुक करने के लिए हम वापस जाएंगे 3B की रिपोर्ट पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और GST रिपोर्ट्स पर, उसके बाद GSTR 3B पर, और उसका पीरियड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, Alt F1 के साथ अब ओपन कर लो जिससे कि सारी एंट्री में शो हो जाएगी। अब उसके बाद हमें रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज को एंटर करना है। अब यहाँ पर हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी स्टेट एडजस्टमेंट में, इसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट।
और एंट्री करेंगे सी जी एस टी टैक्स रेट 2%, टैक्स बेर वैल्यू 5000, 125 रुपये, और वापस हम एस जी एस टी को ही डेबिट करेंगे 2%, 5000, 125 रुपये से, और वापस हम सी जी एस टी लेजर को ही क्रेडिट करेंगे 125 रुपये से, और एस जी एस टी को भी हम क्रेडिट करेंगे 125 रुपये से, और प्रोवाइड जी एस टी डिटेल में से हम करेंगे यस, और यहाँ पर इसका पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ का हम आर सी एम जमा करवा रहे हैं, और इंटर प्रेस करेंगे। वापस हम स्केप करके बैक आएंगे तो आप देख रहे हो वो 125 रुपये की जो एंट्री थी अब हमारी इस आई टी सी के अंदर एड हो चुकी है, यानी कि अब हमें टोटल इतना आई टी सी मिलेगा। और अब हमारी बैलेंस शीट पे भी हम जाके देखेंगे वो 125 रुपये यानी कि 250 रुपये की लाइबिलिटीज अभी है या नहीं है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी आप देख रहे हो आर सी एम की जो एंट्री है 125 रुपये और 125 रुपये अभी भी ये क्रेडिट आ रहे हैं, यानी कि ये हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो डिपॉजिट करवाने के लिए हम वापस वाउचर ऑप्शन पर आएंगे और हम करेंगे पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर पे जाने के बाद हम आर सी एम सी जी एस टी टैक्स 125 रुपये, और वापस हम डेबिट करेंगे आर सी एम एस जी टी टैक्स को 125 रुपये से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या जो भी बैंक आप यूज़ कर रहे हो उस बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हम टोटल इन डिटेल हम दे देंगे आर सी एम डिपॉजिट मंथ ऑफ, जिस मंथ का भी आपने डिपॉजिट कराया वो मंथ आप लिख सकते हो, और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हम वापस बैलेंस शीट पर हम जाएंगे और डिटेल देखेंगे तो आप देख रहे हो अब हमारे पास यहाँ पर किसी भी टाइप की आर सी एम की लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन हमें 125 रुपये का ये आई टी सी एड जरूर हो चुका है। तो अब वापस हम एक बार हम लेजर देखेंगे आर सी एम सी जी एस टी का, तो ये लेजर हमारा बिल्कुल इक्वल है, यानी कि 125 रुपये डेबिट है और 125 रुपये क्रेडिट है। इस तरीके से आर सी एम एस जी एस टी का लेजर भी डेबिट और क्रेडिट बराबर है। तो दोस्तों इस तरीके से अनरजिस्टर्ड से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं ट्रांसपोर्टर, तो हम इस तरीके का आर सी एम की एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।